नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं सुष्मिता मुखर्जी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस की रेड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और कलिया पुलिस ने गेस्ट हाउसों में छापा मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं। सभी पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामला रुड़की के पिरान कलियर की है, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और कलियर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गेस्ट हाउस में छापामारी की, जिसमें 4 लड़कियों को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। इनमें से 2 युवती असम की रहने वाली हैं, जबकि 1 गुजरात निवासी है। मुरादाबाद की भी 1 महिला को पकड़ा गया है। पकड़ी गई ये सभी महिलाएं काफी दिनों से जिस्म फिरोशी के धंधे में आई हैं। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं को गेस्ट हाउस संचालकों द्वारा ग्राहकों से वसूल की रकम का आधा हिस्सा दिया जाता है। इन महिलाओं को कॉल कर बुलाया जाता था। वहीं 4 आरोपी मुस्तफा निवासी महमूदपुर पिरान कलियर, मोहम्मद फैजल निवासी देवबंद सहारनपुर, दिलशाद निवासी बसेली गजरौला अमरोहा और मुसर्रत निवासी घोड़ेवाला बदरबाद हरिद्वार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले भी कलियर में सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। पिरान कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत अनैतिक व्यापार कराए जाने की सूचना मिलने पर एसओ कलियर देवराज शर्मा के नेतृत्व में टीम के द्वारा छापेमारी की गई और 2 गेस्ट हाउसों से, 7 साबरी गेस्ट हाउस और आलिशान गेस्ट हाउस से 4 महिलाओं और 4 पुरुषों को आपत्तिजनक अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध धारा 3, 4, 5, 6 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर सभी का चालान न्यायालय किया जाए। पूर्व में भी आधा दर्जन से अधिक ऐसे अभियोग पंजीकृत किए गए हैं विगत 3-4 महीनों में और लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। आगे भी ऐसी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट।